मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया, दुनिया में इतने बड़े बड़े कंपनीज है, वो कंपनीज को बिडिंग करने क्यों नहीं दिया गया? लेकिन ये तो ओपन बिड था, कोई भी बिड कर सकता था, क्यों नहीं किया उन्होंने? अच्छा, ये सवाल मैं मतलब एयर इंडिया के मैनेजमेंट से भी करना चाहूँगा, क्योंकि एयर इंडिया का जो मैनेजमेंट है वहाँ पे सरप्लस लाइन ऑफ वर्किंग, सरप्लस लाइन ऑफ वर्किंग जिसमें मेन रिक्वायरमेंट जो रहता है कि हाउ मेनी प्लेसेस आर प्रॉफिटेबल, हाउ मेनी रूट्स आर प्रॉफिटेबल एंड हाउ मेनी रूट्स आर नॉट प्रॉफिटेबल, नॉट सो मच प्रॉफिटेबल, ये रूट का डिसीजन जो लेता है वो एयर इंडिया नहीं लेता है, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री लेता है। अगर जनता चाहे तो, पूरा जनता चाहे तो, एक बात आप सब सोच लीजिए, बीजेपी हटाना हो, बीजेपी हटाना देश की मसनद में बैठना हो, देश की मसनद में बैठना हो, अखिल भारत हिंदू महासभा, ऐसा कुछ होगा नहीं, आगे ऐसा कुछ होगा नहीं, हमारा जो दरवाजा है, हमारा जो सीनियर्स बैठे हुए हैं, हमारा जो सीनियर्स बैठे हुए हैं, जो गण्यमान्य बैठे हुए हैं, जो व्यक्तित्व बैठे हुए हैं, हमारा दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो आश्रम में बैठे हुए हैं, वो आश्रम में जगह में, उत्तर प्रदेश में, विभिन्न जगह में, दूसरा जगह देश में, तो दूसरा जगह में, तो ये जो एक डायलॉग, ओपनिंग डायलॉग, ओपनिंग डायलॉग, और ये जो दरवाजा, और ये जो दरवाजा, अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहें हमारे साथ बात कर सकते, हमारे साथ बात कर सकते हैं। एयर इंडिया टू स्टॉक मार्केट और गेटिंग एयर इंडिया
India. It's not only Air India. Crores of direct and indirect employment associated with Air India, Life Insurance Corporation of India. Modi ji se ek hi cheez puchna hai. Modi ji se ek hi cheez puchna hai. Aap kya soch liya ki brand marketing karke, ki brand marketing badi badi baat karke, aur badi badi baat karke, aur new packet mein purana cheez bech ke. इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन बोल के एक चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन बोल के एक चीज है, आर्टिकल 224 बोल के आर्टिकल 224 बोल के एक चीज है, जवाब देना पड़ेगा अखिल भारत, जवाब देना पड़ेगा अखिल भारत की एयर इंडिया और एलआईसी को, एयर इंडिया और एलआईसी को लेके ऐसे कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, देश का फर्स्ट हंड्रेड टॉप कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्स कौन है, और ये जो आप 50,000 लेने वाले को ना बोल देते हो, उसको घुमा देते हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, आप कॉर्पोरेट्स को एक साइड कॉर्पोरेट्स ड्रिंक करते हो, आरटीआई में रिप्लाई करते हो कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, फिर लिखते हो कि रिसोर्स टू ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग अभी इंडिया को एक भारी आरटीआई की जवाब मिलने की तरफ से अखिल भारत हिंदू महासभा वेस्ट बंगाल की तरफ से और मैं राजा मुखोपाध्याय, हम लोग और मैं राजा मुखोपाध्याय, हम लोग प्रोसीजर है एयर इंडिया का, प्रोसीजर है इसको चैलेंज करेंगे, ये इसको चैलेंज करेंगे, हम लोग एसबीआई को चैलेंज करेंगे, आरबीआई को चैलेंज करेंगे, आरबीआई को हम दूसरा चीज हम जो करेंगे, दूसरा चीज हम जो करेंगे, 2008 साल में, ये जो 2008 साल में और 2009 साल में रिलीफ फार्मर्स डेट रिलीफ स्कीम से प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से उसको हम लोग देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में, कि पश्चिम बंगाल में, भारत में, पूरा पूर्व जो भारत में स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो कोऑपरेटिव स्टेट बैंक है, स्टेट का जो लीड कोऑपरेटिव बैंक है, का जो लीड कोऑपरेटिव बैंक है, उनके हाथ से नैबर्ड एक्चुअली वेवर दिया, जिनको भी वेवर मिला, और जिनको भी वेवर मिला एलिजिबल है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं, राजीव आंसर करेंगे, क्वेश्चंस राजीव आंसर करेंगे, हम आपसे थोड़ा समझा देंगे कि जनता टीवी की दर्शकों को और मैनेजमेंट दर्शकों को बहुत सारी बधाई हो, मेरा गुरु पूर्णिमा का बधाई हो, और गुरु पूर्णिमा का टू राजीव, और हैंड ओवर टू राजीव का क्वेश्चंस, जावेद जी आपका क्वेश्चन मोदी और अमित शाह जी को सुब्रमण्यम स्वामी जी को नहीं होने
एक गधे को कभी देखा है, एक गधे को कभी देखा है कि अच्छे आदमी को ऊपर उठने देगा, अच्छे आदमी को ऊपर उठने देगा? मैं उनको तो गधा नहीं बोला हूँ, मैं उनको तो गधा नहीं बोला हूँ। प्राइम मिनिस्टर को नहीं, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को गधा बोल रहा हूँ, और अमित शाह को गधा बोल रहा हूँ। एलिजिबल है, एलिजिबल है, टाटास टाटास। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं है, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं है, दुनिया में इतने बड़े बड़े कंपनीज है, वो कंपनीज बिडिंग करने क्यों नहीं दिया गया, बिडिंग करने क्यों नहीं दिया गया? लेकिन ये तो ओपन बिड था, कोई भी बिडिंग कर सकता था। क्यों नहीं किया उन्होंने, ये सवाल मैं मतलब एयर इंडिया का मैनेजमेंट से भी करना चाहूंगा, जो मैनेजमेंट है एयर इंडिया का, जो मैनेजमेंट है वहां पे सरप्लस लाइन ऑफ वर्किंग सरप्लस लाइन ऑफ वर्किंग रिक्वायरमेंट जो रहता है, मेन रिक्वायरमेंट जो रहता है, हाउ मेनी रूट्स आर प्रॉफिटेबल डिसीजन जो लेता है, डिसीजन जो लेता है वो एयर इंडिया नहीं लेता है, सिविल एविएशन।